हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि मेरे यहां की कुलसती पूजा कैसे होती है और कुलसती माता कौन है तथा इस पूजा के महत्व और इस पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुलसती माता कौन है। ये हमारे कुल की सती है। इनकी पूजा हमारे यहाँ 10 पीढ़ी पहले से होती आ रही है। हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए और उनके अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी कुलसती की पूजा होती आ रही है, उनको ही कुलसती माता बोलते हैं। वैसे भारत में अनेक सती नारियों के मंदिर बने हुए हैं जिनको लोग देवी के रूप में पूजते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक भारत में अनेक गौरवशाली नारियों के सतीत्व के परिचय हैं, जैसे अनुसुईया, अरुंधति, सीता, उर्मिला, सावित्री, द्रौपदी, मंदोदरी, सुलोचना। इन देवियों को एक महान सती होने का स्थान प्राप्त है। इन सतियों के नाम लेने मात्र से नारी पवित्र हो जाती है। सतियों की शक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं को भी विवश होना पड़ा है तथा सतियों के आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपना शीश नभाते हैं। जैसे माता अनुसुईया की परीक्षा त्रिदेवों ने ली थी पर उन्होंने अपनी सतीत्व की शक्ति से त्रिदेवों को बालक बना दिया था, वैसे ही सावित्री ने भी अपने सतीत्व के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को वापस मांग लिया था। और आज इनके सतीत्व की अनेक जगह पूजा भी होती है। इनके साथ ही अनेक पवित्र नारियों और भारत की अनेक पतिव्रता धर्म पारायण नारियों को भी सती होने का स्थान प्राप्त है। तो हमारे यहाँ इनकी पूजा बड़े त्योहार जैसे होली, दीपावली और हमारे कुल में कोई शुभ काम होने पर पूजा की जाती है, जैसे कोई शादी या कोई बच्चे का जन्म होने पर इनकी पूजा होती है। आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस पूजा में क्या सामग्री चाहिए होती है। कुलसती माता की पूजा के लिए थाली में ये पुष्पमाला और फूल रखे हुए हैं और ये पूजन करने के लिए रोली, चावल, सिंदूर, कपूर, लौंग, धूपबत्ती रखी हुई है और दीपक, ज्योति जलाने के लिए रखा हुआ है और इनको मीठी पूरी और मिठाई से भोग लगाया जाता है। साथ ही होली पर इनको गुलाल भी चढ़ता है तो ये गुलाल भी रखा हुआ है। तो बस कोई खास सामग्री नहीं चाहिए होती है। ये पूजा होली पर हो रही है इसलिए इसमें गुलाल भी रखा गया है। होली, दीपावली और कुछ खास समय पर इस प्रकार ही पूजा होती है। बस कुछ सामग्री में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। अब आपको दिखाता हूँ कुलसती माता की पूजा कैसे होती है। तो दोस्तों ये हमारा पुराना घर है, इसमें ही कुलसती माता का स्थान बना हुआ है। मेरी दादी आपको पूजा करके दिखाने वाली हैं। इनकी पूजा के लिए हमारे पुराने घर में हमारे पूर्वजों ने एक कोठरी में सती माता को स्थान दे दिया था और उसमें एक ताक में कुलसती माता की ज्योति जलाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी कि होली पर कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुल देवी, कुल देवताओं और अन्य पूजाओं के बारे में जानकारी दी थी। जैसे हर कुल में कोई ना कोई देवी देवता की पूजा होती है जिनको कुल देवी देवता के नाम से जाना जाता है और हर कुल देवी देवताओं का एक प्राचीन मंदिर होता है। उन कुल देवी देवताओं की पूजा बड़े त्योहारों पर करना अनिवार्य माना जाता है। तो कुछ लोगों के कुल देवी, कुल देवताओं के मंदिर दूर बने होते हैं तो फिर वे लोग त्योहारों पर उनके मंदिर कैसे जाएंगे। इसलिए पुराने समय में कुछ लोगों के यहाँ कुल देवी, कुल देवताओं को घर में ही एक अलग स्थान दे दिया जाता था जिससे वे त्योहारों पर अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कर सके। जरूरी नहीं है कि सबके यहाँ बने हो पर पुराने लोगों के घरों में उनकी परंपरा अनुसार वे लोग घरों में ही एक छोटी सी कोठरी बना देते थे जिसमें वे लोग अपने कुल देवी देवताओं या कोई अन्य उनकी परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो स्थान को लोग देवी देवताओं की चौरी या थान बोला करते थे जो बस समय समय पर ही उस कोठरी को पूजा के लिए खोला जाता था। वैसे ही ये हमारे यहाँ सती माता का ये स्थान चौरी बनी हुई है और ये आला बना हुआ है, इसे हमारे यहाँ सती माता के ताक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सती माता की पूजा हो रही है। पहले से यही दादी ने ताक को गाय के गोबर और गेरू से लीप कर ये रिपन बना दिया था। तो सबसे पहले दादी सती माता के आले में जल अर्पित कर रही हैं और अब कुल सती माता की ज्योति का दीपक आले में रख रही हैं और अब सती माता की ज्योति को प्रज्वलित कर रही हैं। इस ज्योति को ही सती माता का स्वरूप माना जाता है। सती माता का रूप अग्नि यानी ज्योति का होता है। ऐसी मान्यता रही है जो सौभाग्यवान स्त्रियां सतियों की ज्योति के दर्शन करती हैं वे सौभाग्यवान तथा पवित्र हो जाती हैं तथा उनके पतियों की आयु की रक्षा होती है। और अब कुल सती माता के आले में कुमकुम से साथिया बना रही हैं। भारत में अनेक जगह सतियों के थान तथा मंदिर भी बने हुए हैं जिन पर सभी जाति के लोग इस प्रकार का साथिया बनाते हैं। उन सती माता के मंदिरों में लोग मुंडन संस्कार भी करवाते हैं। इनकी पूजा सभी लोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिनके कुल में सती हो केवल वे ही पूजा करे, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता है। सती चाहे कोई भी कुल की हो उनकी पूजा कोई भी कर सकता है। सतियों का स्थान देवी देवताओं के बराबर माना जाता है। उनके स्थान को देवी देवता भी सम्मान देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों सती माता का साथिया बन चुका है। अब सती माता को अक्षत अर्पित किया जाएगा।
अक्षत अर्पित करने के बाद कुल सती माता को पुष्पों का हार यानी फूलों की माला चढ़ाई जा रही है। तब देखिए सती माता को माला अर्पित कर दी गई है। तब ये धूप बत्ती की धूप सती माता को अर्पित की जाएगी। पहले हमारे खानदान की सभी महिलाएं सती माता की पूजा किया करती थी। फिर कुछ लोग बाहर चले गए तो कुछ लोगों ने समय चलते इनकी पूजा को कोई छोटा सा काम समझकर छोड़ दिया। इन सती माता ने हमारे कुल को वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारे कुल में मेरे नाम की ज्योति जलती रहेगी तब तक तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी। इसलिए इनकी ज्योति हमारे पूर्वजों के समय से जलती आ रही है। ये पूजा हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही है। अब सती माता को पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में सतियों के विषय में कहा गया है, जो नारी प्रतिदिन सतियों के नामों का स्मरण करती हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं तथा सतियों के नाम से ज्योति जलाने वाली स्त्री पुत्रवान और सौभाग्यवान होती है। इसलिए ही स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सौभाग्यशाली व्रतों को करती हैं। तब सती माता को भोग अर्पित किया जा रहा है। सती माता की पूजा में 7 संख्या को शुभ माना जाता है, इसलिए इनको 7 मीठी पूरी का भोग लगाया जाता है। सती माता को सभी प्रकार के सात्विक भोग लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से पूरियों को ऐसे खोट खोट कर सती माता को चढ़ाई जाती है। तब सती माता को भोग अर्पित करने के बाद उनको जल अर्पित किया जा रहा है। सती माता को 7 बार इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। सती माता को लौंग का जोड़ा भी अर्पित किया जाता है। सभी देवियों को लौंग का जोड़ा प्रिय है, इसलिए लौंग अर्पित किए बिना कोई भी देवी भोग स्वीकार नहीं करती हैं। इसलिए इनको भी लौंग अर्पित की जाती है। तब सती माता को लौंग अर्पित करने के बाद अबीर गुलाल अर्पित किया जा रहा है। ये गुलाल केवल होली पर ही चढ़ता है। वैसे होली पर सभी पूजाओं में गुलाल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार मेरे यहाँ होली पर कुल सती माता की पूजा होती है। तो बस होली पर तो इस तरह से ही पूजा की जाती है और कुछ खास दिनों में भी पूजा होती है। पूजा तो इस प्रकार ही होती है, बस पूजन सामग्री में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ किसी का जन्म या विवाह होता है तो इनकी विधिवत पूजा की जाती है और इनको 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। ये हमारे कुल की रक्षा करती है। इन्होंने हमारे कुल को वरदान भी दिया था। और फिर पूजा होने के बाद इनके पैर छूकर इनको नमन करते हुए इनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर परिवार की रक्षा करती रहना और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो बस मेरे यहाँ इस प्रकार से इनकी पूजा होती है। बहुत सी जगह सती माता के मंदिर भी बने होते हैं, पर मेरे यहाँ केवल इनकी ये कोठरी बनी हुई है जिसको चौरी या थान बोला जाता है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। इसी आले में इनके नाम की ज्योति जलाई जाती है। हमारे परिवार और खानदान के लोग ही इनकी पूजा किया करते हैं। हमारे कुल के लोगों ने इनका बहुत बार चमत्कार भी देखा है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जब कोई ऐसा रोग किसी पर होता है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है, तो सती माता के स्थान पर जाकर पूजा करने से तथा उनकी आन लेने से सती माता की शक्ति के प्रभाव से वो रोग ठीक हो जाता है, उनके कुल परिवार की रक्षा होती है। ये उपाय बड़े बुजुर्ग किया करते थे। सती माता की महिमा महान है। पहले इनका ये थान हमारे सबसे पुराने घर में बना हुआ था। उस घर में भी इस प्रकार से ही एक कोठरी बनी हुई थी, पर उस कच्ची कोठरी में 3 दरवाजे थे, जिसे हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में कच्ची तिदरी बोलते थे। तिदरी यानी 3 दरवाजों का कमरा। पर वो मकान कच्चा था, इसलिए जब उस घर को हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिया तो सती माता का स्थान इस घर में बना लिया था। तो उस घर में इसी प्रकार पूजा होती थी। तब हमारे परिवार की सभी महिलाएं इनकी पूजा किया करती थी। और अब ये घर भी टूट रहा है, इसलिए अब इनका स्थान हमारे कुल देवता के मंदिर के पास बना दिया जाएगा। अभी तो ऐसे ही पूजा हो गई। पहले इस कोठरी तो गोबर से लीपा जाता था, पर अभी ये हमारा पुराना घर टूट रहा है, इसलिए इस कोठरी को गोबर से लिपना संभव नहीं था, इसलिए इस प्रकार से पूजा कर ली गई। सती माता की पूजा कहीं भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जहां होती आई हो इस जगह पर ही की जाए। बस उनके नाम से एक स्थान पर ज्योति जलाई जाती है। पर अब ये हमारा घर टूट रहा है, इसलिए ये सती माता का स्थान भी बदल दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत लोगों के घरों में इस प्रकार से देवी देवताओं की चौरी बनी होती थी, जिनमें वे लोग अपने कुल की परंपरा अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। बहुत से लोगों को अपने कुल देवी देवताओं के नाम भी नहीं पता होते हैं, पर कुल देवी देवताओं का पूजन अनिवार्य माना जाता है। कुल देवी देवता कुल के रक्षक होते हैं। इनका पूजन सभी पूजाओं में जरूरी होता है। अगली वीडियो में मैं आपको कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया मेरे यहाँ होली पर कुल सती माता की पूजा इस तरह से होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। आगे भी आपको सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माँ काली, जय कुल सती माता।